हाय, मैं इप्सिता। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एक्रेलिक एप्लीकेशन, यानी कौन सा मोनोमर यूज किया जाए, पाउडर और मोनोमर का रेशियो क्या होता है और कैसा कैसा बीड बनता है लिक्विड के साथ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ एक्रेलिक एप्लीकेशन एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ मोनोमर शुड बी यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ बीड्स वी शुड क्रिएट एंड the ratio between the liquid to powder. So let's get started. हमको बहुत सारा कमेंट्स मिला है और मैसेज भी किया है लोग इन इंस्टाग्राम में कि कौन सा मोनोमर यूज किया जाए, हार्ड या सॉफ्ट। तो माय फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। हार्ड मोनोमर या सॉफ्ट मोनोमर बोल के कोई चीज नहीं होता है। जो भी होता है, स्लो सेटिंग मोनोमर और फास्ट सेटिंग मोनोमर। इंडिया में हमको जो जो मोनोमर मिलता है वो सब है स्लो सेटिंग मोनोमर एंड फास्ट सेटिंग मोनोमर, यानी काम करते करते बहुत जल्दी वो सेट हो जाता है। वो मोनोमर एक्चुअली जो प्रोफेशनल्स है, इट इज फॉर देम। सो there is nothing called hard or soft monomer. It is a slow setting monomer or a fast setting monomer. Now another thing, monomer is temperature sensitive. So if you work in a room which is normal to hot in temperature, the monomer, I mean the acrylic that you are using, the acrylic application that you are doing will set more fast than you are doing in a cold room or in a cold weather. Okay, so in a cold weather monomer, I mean acrylic application, thoda der lagta hai, it sets slowly. So if you keep this thing in mind, then I think it will be easier for you to work. Now I will show you some monomers. These are the monomers, those are available in India. Ye Pengchang Mei ka acrylic liquid, ye Keystone ka hai, jo humko, jo dealer ne humko ye diya tha, वो कोई लेवल या कुछ नहीं दिया था, वो बोला था कंटेनर में भेज देंगे। एंड दिस वन आई कैन नॉट, यंग आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, फॉर प्रोफेशनल यूज ओनली। दिस वन यू विल गेट इन अमेज़न, इसका भी लिंक हम दे देंगे। और जो मोनोमर इंडिया में ज्यादातर चलता है वो है ये इजी फ्लो का मोनोमर। बाय द वे, this is not a sponsored video. I am giving my honest opinion because I have used all these monomers. So I can give you my honest opinion. Okay? So the best monomer I will say Pengchang Mei ka hai, jo beginners ke liye hai, bahut hi acha monomer hai. But ye thoda costly hai. To aap ye bhi use kar sakte hai. Iska jo link hai, जो डीलर ये सेल करता है, द इंस्टाग्राम स्टोर लिंक, वो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसका लिंक इट विल कम, मींस इट इज अवेलेबल इन अमेज़न, सो आई विल प्रोवाइड यू द अमेज़न लिंक। तो ये दो मोनोमर, इजी फ्लो का मोनोमर और कीस्टोन का मोनोमर, इंडिया में सब जगह मिलता है। यू विल गेट इट फ्रॉम एनी डीलर्स फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now, Easy Flow का मोनोमर इज अ वेरी मच अवेलेबल मोनोमर, मीन्स ये मोनोमर बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए आज जो डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे वो Easy Flow का मोनोमर से देंगे, क्योंकि यही एक कंपनी है। दिस इज वेरी मतलब अच्छा है लिक्विड और इसका प्राइस भी ठीक ठाक है। यू कैन यूज दिस टू बिगिन विथ, मीन्स टू स्टार्ट with your acrylic system, you can use this monomer. So ये monomer हम थोड़ा लेंगे। And I am using Pengchang Mei's acrylic powder in nude pink. ये color मैंने क्यों choose किया, क्योंकि इसका रंग आप देख सकते हैं, जो beads हम लेंगे वो आपको एकदम पूरा क्लियर दिखने में आएगा। तो आपको समझ में आएगा कौन सा
लिक्विड मतलब कितना लिक्विड उठाने से, कैसे पाउडर को उठाने से कौन सा दिन बनता है। सो आप एक एक्रेलिक ब्रश लीजिए और उसको अच्छी तरह से एनुसी अरे देखिए ऐसे आप पूरा सैचुरेट कीजिए ब्रश को एकदम, ऑल द ब्रिसल्स शुड गेट सैचुरेटेड इन मोनोमर। दिस इज कॉल्ड प्रेपिंग ऑफ द ब्रश। तो अभी देखिए सी दिस पोर्शन, अब मोनोमर को हम ये से लिया और यहां से ड्रैग किया, फिर लिक्विड को ऐसे लिया, थोड़ा पॉलीमराइज होने दीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। ये थोड़ा ड्राई ब्यूट होता है। देखिए इवन है, पूरा इवन है। वाइप योर ब्रश, फिर आप लीजिए ड्रैग कीजिए और एक बीट लीजिए, उसको पॉलीमराइज होने से पहले ही अगर आप डाल देंगे तो ये है सी श्रेणी, तो ये है मीडियम बीट। मतलब आई एम नॉट सेइंग द साइज ऑफ द बीट्स, व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द लिक्विड टू पाउडर रेशियो का ड्राई बीड है, ये मीडियम ड्राई है। लिक्विड टू पाउडर रेशियो आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेड बीड। तो ये हो गया आपका ब्रेड बीड। सो दिस इज अ ड्राई बीड, दिस इज अ मीडियम बीड और ये है ब्रेड बीड। ड्राई बीड हम कब ले सकते हैं, जब हम 3D फ्लावर्स कर रहे हैं, 3D आई मीन 3D वर्क, नॉट ओनली फ्लावर्स, 3D वर्क। तो 3D वर्क के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मोनोमर, डिफरेंट मोनोमर कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मोनोमर जल्दी सेट हो तो उसमें आप थोड़ा सा अमाउंट एसीटोन डाल दीजिए, तो वो हो जाता है फास्ट सेटिंग मोनोमर। बट यू कैन यूज द सेम लिक्विड फॉर अ ड्राई बीड एंड अ वेट बीड एंड अ मीडियम बीड। इट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड व्हाट यू आर टेकिंग ऑन योर ब्रश एंड हाउ यू आर टेकिंग द पाउडर, जैसे हम दिखाया अभी। ओके फिर लिक्विड में लेंगे और अभी हम दिखाएंगे आपको एकदम छोटा सा बीड। देखिए कितना छोटा बीड आ गया। अब ब्रश अगर और भी छोटा होगा तो बीड और भी छोटा हो जाएगा, मगर आपको ऐसे रखना है ब्रश को, तब आके आपको आएगा छोटा सा। अभी हम दिखाएंगे मीडियम साइज, अभी हम साइज के बारे में बोल रहे हैं। तो मीडियम साइज में, स्मॉल साइज में क्या हुआ था, ऐसे लिए थे, मीडियम में हम थोड़ा ऐसे कर देंगे ब्रश को। देखिए लेट इट पॉलीमराइज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन अप्लाई द हीट, तो आपके ब्रश से भी कितना आसानी से निकल गया। अभी जब आपको चाहिए bigger bit, so if you want a bigger bit now, what you will do, you will take your brush and you have to make your brush ekdam at this angle, you have to bring your brush, aapko aap apna brush aise lijiye aur powder ko aise rakhiye, fir dekhiye hum kitna powder aur brush ka contact kar rahe hain। तो अभी ये बीड हो गया एक बड़ा सा बीड।
सो यू अंडरस्टूड. सीधा ब्रश रखेंगे तो स्मॉल बीड, ऐसे करेंगे मीडियम साइज बीड, और एकदम ऐसे करेंगे तो बिगर बीड. आई मीन जितना ब्रश के साथ पाउडर कांटेक्ट में आएगा उतना बड़ा बीड होगा, इसीलिए एंगल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. नाउ व्हेन यू आर सैचुरेटिंग द ब्रश इन लिक्विड एंड यू आर ड्रैगिंग द लिक्विड दिस वे, द वेटर साइड यू आर गोइंग टू पुट इट इनसाइड द पाउडर एंड वेट फॉर इट टू पॉलीमराइज. थोड़ा देर आप वेट कीजिए फिर उसको डालिए. तो देखिए कितना नीट होके वो निकल गया आपके ब्रश से. ये है एक नीट एप्लीकेशन. अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे किया फिर ऐसे 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 किया, देखिए सी द कंडीशन ऑफ द ब्रश और फिर देखिए क्या हो गया, और ब्रश को देखिए सी द कंडीशन ऑफ द ब्रश, तो आपका ब्रश ऐसे खराब हो जाएगा, इट विल गेट क्लॉग्ड. नाउ अगेन आप लिक्विड लिए फिर ऐसे से लिए फिर एक बीड लगाया विदाउट वाइपिंग द ब्रश, फिर लिक्विड लिए और फिर ऐसे किया दूसरा बीड किया, तो देखिए कितना मेसी हो रहा है. दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस. वन मोर थिंग, आप अगर राइट हैंडेड है तो आपका जो एप्लीकेशन का चीज है पाउडर मोनोमर टिश्यू ब्रश सब राइट हैंड की तरफ रखिए. एंड इफ यू आर लेफ्टी, इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड, देन यू कीप ऑल दिस थिंग्स ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ बीट, आई विल शो यू. I'm taking a bead, applying it on the cuticle, let it polymerize, wipe your brush. Now you start work. Again you wipe. Again you pat it down. Again you wipe, take some more now. Again set on. So you need to wipe your brush always. So हमको लगता है अभी आपका सभी questions answered हो गया. Liquid कैसे आप लेंगे? By the way, ये आपको थोड़ा buzzing sound सुनाई दे रहा है शायद. Actually, it is my bad habit. I cannot work without my AC on. And my AC is quite old and it makes a lot of noise. Can't help it. Because मैं तो एक high pressure का patient हूँ और मेरा और भी health issues है, तो हमको गर्मी बहुत लगती है. Even in winters I put on the AC and do whatever I want. So that's my bad habit. So excuse me for that. I beg your pardon that you are getting that buzzing noise, but I can't help it. Anyway, now I will show you on a nail tip. एक nail tip के ऊपर मैं ये application करके दिखा रही हूँ. So you take a bit, polymerize होने दीजिए, देखिए soft हो गया. Apply कीजिए, brush को wipe कीजिए, फिर भिगो लीजिए, फिर इसको पैटिंग कीजिए, पैटिंग मोशन. डोंट ड्रैग बट पैट, ड्रैग मत कीजिए. जब ड्रैग करना होगा हम दिखाएंगे. बेली ऑफ द ब्रश को लेके पैटिंग कीजिए. होप यू कैन सी.
जब क्यूटिकल के पास आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा दूर आप अप्लाई कीजिए। फिर आप क्यूटिकल के पास चाहिए। Then you pat. Now you drag. Okay, you pat. Then you drag. अभी मैं एक छोटा सा बिंदु लूंगी। देखिए कैसे? ऐसे खड़ा करके मैं छोटू सा बिंदु लूंगी। देखिए कितना छोटा सा बिंदु। इधर थोड़ा सा बाकी। और वाइपिंग द ब्रश को मतलब टिश्यू में बार बार ब्रश को क्लीन करना एक हैबिट कर लीजिए। दिस शुड बी योर हैबिट। सो द नेम इज फोन। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, आई विल शो यू। डोंट डू दिस व्हाट आई एम शोइंग यू। ये ठीक नहीं है जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको। आप लिए लगा दिए, फिर ऐसे 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 करते हैं। प्लेन तो हो जा रहा है मगर देखिए आपका ब्रश का कंडीशन। देखिए ऐसा मत कीजिए। जब भी आपको एप्लीकेशन करना है लीजिए थोड़े से टाइम, गिव सम टाइम फॉर दिस टू पॉलीमराइज, देन अप्लाई इट। वाइप योर ब्रश, देन यू पैट इट बैक। सी कितना सुंदर से ये ब्लेंड हो गया। सो दिस आर ऑल द सीक्रेट्स ऑफ प्रॉपर एक्रेलिक। अभी ब्रश को आप कैसे क्लीन करेंगे? अब थोड़ा फ्रेश मोनोमर लीजिए। इसमें तो यूज्ड मोनोमर था तो अभी हम थोड़ा फ्रेश मोनोमर ले रहे हैं। थोड़ा सा लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फिर अच्छी तरह से आप क्लीन कीजिए। होप यू कैन सी। देखिए और क्लीन पोर्शन लीजिए टिश्यू का, ऐसे क्लीन कीजिए। फिर ब्रश को शेप में लीजिए। एंड कीप द ब्रश लाइक दिस वे फॉर 24 आवर्स, क्योंकि ऐसे आप रखेंगे तो मोनोमर फ्लो होके एडिसिव खा जाएगा। ऐसे आप रखेंगे तो ब्रिसल्स इट विल बेंड डाउन एंड योर ब्रश विल बी रुइन्ड। सो यू हैव टू गिव टाइम फॉर द ब्रश टू गेट इट फ्री फ्रॉम द मोनोमर। मोनोमर इवेपोरेट करता है तो 24 आवर्स तक ये आपको ऐसे रख देने से मोनोमर इवेपोरेट कर जाएगा। फिर उसके बाद आप कंटेनर में लगा। सो आई थिंक I have covered all the portions. आपका जो भी क्वेश्चन था वो शायद मैंने आंसर दे दिया, तो कैसा लगा अब बोलिएगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आपको जरूर बताइएगा कमेंट में, इन द कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में। मैं सबका लिंक दे दूंगी बट आई कैनॉट गिव द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉप पाउडर एंड द मैट आई एम यूजिंग because these I brought from AliExpress when it was accessible from India. So I cannot give the link of these two. Otherwise, sabka link de denge. And of course, I cannot give the link of the brush also. But yahan par jo brush milta hai, wo hai OPI ka brush aur Easy Flow ka brush. Matlab, this brand ka brush milega aapko. Same dealer se. So you can use those things. Okay? We are ending it here. And if you have any questions, please let me know in the comments. I'll be more than happy to answer you. And we'll see you
in the next video. Till then, have a great time. Bye-bye.